अपने YouTube चैनल ग्रोमो ट्रेडिंग में। तो गाइस आज हम डेली टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं गेल इंडिया के बारे में, जिसमें कि आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बड़ी अपसाइड की स्ट्रेंथ देखने को मिली है, और जानेंगे इसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं और किन पैरामीटर पे हमें इसके टारगेट को आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, जो कि एज अ टेक्निकल एनालिसिस होंगे गाइस। तो आप यहाँ पर देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में जो इसका यूज़ ऑफ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, जो प्रीवियस के ट्रेडिंग सेशन में इसका डाउन टर्न चल रहा था, वो बुल साइड का रनअप इसमें देखने को मिल रहा है। आप यहां पे देखेंगे जो कि इसका प्राइस एक्शन रहा है, यहां से इसने रीटेस्ट लिया है, और रीटेस्ट लेने के बाद ही जो इस मंथ की मंथली एक्सपायरी है वहाँ पर इसके सभी कॉल राइटर ट्रैप हो चुके हैं अभी तक। जो इसकी शॉर्ट कवरिंग रैली आनी चाहिए एज अ टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, वो शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे 125 तक इसकी ले जाने की पॉसिबिलिटी बनती है गाइस, एज अ शॉर्ट कवरिंग के अकॉर्डिंग गाइस। तो ये आपको फर्स्ट टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है 125, जो कि इसी मंथ में होने वाला होगा गाइस। जिनकी भी यहाँ पे एफ एंड ओ पोजिशन क्रिएट कर रखी है उनका तो जैकपॉट प्रॉफिट होने वाला है एज अ टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और जो हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा गाइस, वो सेकंड टारगेट होगा हमारा इसमें 129 का, इसमें सेकंड टारगेट होना चाहिए गाइस एज अ टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। यदि ये 125 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको इसमें नेक्स्ट जो टारगेट बड़ा देखने को मिलेगा वो 129 रुपीज़ का देखने को मिलेगा गाइस। और जिस भी पर्सन को एफ एंड ओ ट्रेडिंग में रुचि है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमारे साथ ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हम डेली के 2 टारगेट प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी 60-80% रहती है। यदि किसी भी पर्सन का अभी तक डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन हुआ है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, जिसमें कि आपको एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं पे करनी होगी एज अ लाइफ टाइम के लिए। यदि आप एफ एंड ओ ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक से अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जनरली अपस्टॉक या जीरोधा के जो ब्रोकरेज पर लॉट के प्रति चार्जेस लगते हैं गाइस, वो 26 रुपीज़ के लगते हैं, और आपको बताया जाता है ब्रोकरेज की तरफ से इसमें 20 रुपये चार्जेस लगेंगे, लेकिन वो 26 रुपीज़ के चार्जेस इंक्लूड विद GST एंड सेवी ट्रांजेक्शन चार्जेस, वो सब इंक्लूड करके इसका पर लॉट 26 रुपये की कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे आपको 15 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे यदि आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करवाते हैं अपस्टॉक या जीरोधा में किसी में भी। तो जल्दी से जाइए, आप अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाइए हमारे रेफरल से और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। और जो हमारा इसमें थर्ड और फाइनल टारगेट होना चाहिए जो कि इसी मंथ का होगा, वो 134 रुपीज़ का होना चाहिए गाइस एज अ टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। आप यहां पे देखेंगे ये काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन रेंज है जो कि 10 रुपये की है, और 10 रुपये ही ऊपर का इसका टारगेट होगा जो कि होगा 132 का। और ये जो हमने 134 का टारगेट दिया है वो एज अ शॉर्ट कवरिंग आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि इसी मंथ में शॉर्ट कवरिंग रैली आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है गेल इंडिया के शेयर में गाइस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।